रायगढ़ के बटमूल आश्रम महाविद्यालय महापल्ली में महाविद्यालयीन राज्य स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक द्वारा विधिवत खम्भ पूजन के बाद खेल को प्रारंभ किया गया। वहीं इस अवसर पर विधायक प्रकाश नायक ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बटमूल आश्रम महाविद्यालय महापल्ली खेल प्रांगण में महाविद्यालयीन राज्य स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता 2019 का विधायक प्रकाश नायक के द्वारा विधिवत खम्भ पूजन के बाद प्रारंभ किया गया। पहला मैच बलौदा बाजार सेक्टर और बस्तर सेक्टर के बीच खेला गया। विधायक प्रकाश नायक ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया तथा दोनों टीमों के बीच टॉस भी कराया। इस अवसर पर प्रकाश नायक ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है उनके विधानसभा क्षेत्र में ये मैच हो रही है। आपको बता दें, राज्य स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता में 110 छात्राएं भाग ले रही है, जो पूरे छत्तीसगढ़ को 9 सेक्टर में बांटा गया है। बटमूल आश्रम महाविद्यालय महापल्ली रायगढ़ के प्राचार्य ने बताया कि इस बार महापल्ली महाविद्यालय को मेजबानी का मौका मिला है। सभी खिलाड़ियों के लिए ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इस प्रतियोगिता में रायपुर सेक्टर, बिलासपुर सेक्टर, कोरबा सेक्टर, सरगुजा, राजनांदगांव, रायगढ़ सेक्टर, बलौदा बाजार सेक्टर, बस्तर तथा दुर्ग सेक्टर के लगभग 110 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगी। आज रायगढ़ जिले के रायगढ़ ब्लॉक में महापल्ली गांव को राज्य स्तरीय विद्यालय महिला खो खो का मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज इसे शुभारम्भ था और इसमें राज्य भर की टीम आई है और ये सौभाग्य बात है कि मेरे विधानसभा में महापल्ली को ये मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं सभी खिलाड़ियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, साथ ही साथ हमारी मेजबान महाविद्यालय को भी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि आपने आपको ये आयोजन मिला और ये आपका ये आयोजन बहुत अच्छे से सफल हो। इस महिला खो खो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के 9 सेक्टर से 108 महिला खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और इस मैच का उद्घाटन आज रायगढ़ विधायक मनमेह सिंह प्रकाश नायक जी के कर कमलों से हुआ है। अभी जो पहला मैच हुआ वो जगदलपुर बलौदा बाजार के बीच हुआ, उसकी एक इनिंग अभी हुई है जिसमें फर्स्ट इनिंग में जगदलपुर कितना पॉइंट मिला है ये बताइए कि मैं किस तरह की व्यवस्था की गई है मैं खिलाड़ियों के लिए। इन महिला खिलाड़ियों के ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, उनके लिए रायगढ़ के जो पंचायती धर्मशाला इसमें ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया है और वहाँ से बस के माध्यम से सभी महिला खिलाड़ियों को यहाँ बुलाया गया और ये मैच बहुत अच्छे ढंग से यहाँ। कब तक चलेगी ये मैच? यह मैच आज 19 तारीख है और 20 तारीख कल फाइनल मैच। यहाँ का किस तरह का चयन होगा इसमें? जैसा राज्य की टीम का सिलेक्शन होगा और जो टीम जीतेगी वो अभी फिक्चर के अनुसार दूसरा मैच जीता और उप विजेता होंगे उसको। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एशियन।